एक स्मार्ट होम है, लेजर से सिक्योर्ड है, जैसे एक बाउंड्री है लेजर की पूरी, ठीक है, कहीं से भी कोई घुसने का ट्राई करेगा इसमें तो बीप का साउंड आएगा। देखिए बीप का साउंड आ रहा है, साउंड किधर से आ रहा है? नीचे नीचे लगा हुआ बजर माइक में। ये कौन सा हॉस्टल है? ये है केवेंडिस हाउस हॉस्टल, पटना साइंस कॉलेज। चेक करेगा उसी का ये वेव यहाँ ड्रॉ करेगा, जिसको जियो फिजिसिस्ट मेजर करके मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी वगैरह एक्सप्लेन करता है वो कितना डिस्ट्रक्टिव होगा अर्थक्वेक। यहाँ पे एक अलार्म है, ये अलार्म इधर आके बजर से कनेक्ट है। ये देखिए ये बीच में रह, ये अलार्म भी इसमें टच होने पे बज रहा है। ये पेन लगा हुआ था इसमें ड्रो नहीं होता, नहीं तो ये वेव ड्रो करता। तो ये एक ह्यूमन होते हैं, ठीक है, जो आदमी का इंसान होते हैं उसके अंदर सबसे सिंपल जो सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो ह्यूमन का सेल होती है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस के जस्ट अंदर, ठीक है, सेंटर में डीएनए होते हैं। डीएनए का काम क्या होता है, ठीक है, जब माता पिता, ठीक है, फादर और मदर जब फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है, तो जो जो फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो स्पर्म जो उसका इन्फॉर्मेशन जाता है, ठीक है, माता पिता दोनों का जो गुण जाता है तो ये डीएनए के थ्रू जाता है। ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड होते हैं, यानी कि दो स्ट्रैंड का होते हैं, और ये हेलिकल होते हैं, यानी कि सीरीनुमा होते हैं, ठीक है। और जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगते हैं, ठीक है, तो ये जो डिकोडेड फॉर्म है, ठीक है, ये बॉन्ड जो बना होता है ये बॉन्ड टूटने लगता है, ठीक है, जैसे बच्चे के अंदर बाल आ गया, ठीक है, ब्लैक ब्लैक माँ की तरह ही बाल आता है या फादर की तरह बाल आता है, तो यही बॉन्ड टूटता है और बाल आने लगता है, बोन जो बड़ा होने लगता है, ठीक है। ये बोन बड़ा कैसे होता है, ठीक है, ये बोन टूटेगा तो बड़ा होने लगेगा, ठीक है, और इसी के थ्रू पूरा फुल इन्फॉर्मेशन जाता है, जो बच्चा शुरू से लेके जब बूढ़ा होगा पूरा हमेशा ये इन्फॉर्मेशन जाता है, ठीक है, जाता है। हाँ, ये वैक्यूम क्लीन, ये मतलब ये कचरा हो गया, ठीक है, जी मार्केट में जो महंगा कचरा महंगा वैक्यूम क्लीनर होता है, ठीक है, तो ये सिंपल सा वैक्यूम क्लीनर है, ठीक है, एक छोटा सा सब इतना चीप रेट में, ठीक है, इसको ऑन कीजिएगा, ठीक है, इसके अंदर एक फैन होता है, ये फैन ऑन हो जाएगा, ठीक है, ये फैन को ये ढक्कन के इसको लगा देंगे, ठीक है, उसके बाद ये जितना भी कचरा होगा ये ऑटोमेटिकली सबको ले लेगा। हरे कृष्णा, ये भगवद गीता है। आज आप लोगों को तो पता ही होगा भगवद गीता जो है हम सब के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। भगवद गीता सिर्फ ना ये साधु बनाता नहीं है, साधु बनने के लिए नहीं है, भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक है ना जिसको पढ़ के ना कितने लोग महान बने हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, वो कहा जाता है उनके बारे में लोग डेली गीता पढ़ते थे, तो वही हम लोग ना थोड़ा सा सोचते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ आज के भागा दौड़ में जो विद्यार्थी होता है बहुत ही डिस्ट्रेक्टेड है, उस डिस्ट्रेक्शन से कैसे निकले उसमें उसका समाधान सब गीता में दे रखा है, तो उसके कारण से ना मैंने सोचा क्यों ना गीता का ये लगाया जाए।